कोटेदार की मनमानी और दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर जनपद के अहरौला ब्लॉक के अलावा विक्रमडीहा गांव निवासियों ने सोमवार को जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर बरती जा रही अनियमितताओं की जांचोपरांत कोटा निरस्त कराने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में अलावा विक्रमडी गांव निवासी रामसूरत पुत्र बुद्धू ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के कोटेदार रविंद्र प्रताप यादव पुत्र स्वर्गीय राम नरेश यादव हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार रविंद्र प्रताप यादव द्वारा राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। मनबड़ कोटेदार की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी महीने व सरकार के निर्देशानुसार जारी तिथि पर राशन का वितरण नहीं करता है, जिसके कारण लॉकडाउन से ही ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इसके अलावा अगर उसके द्वारा राशन का वितरण किया भी जाता है तो वह राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक अंगूठा लेकर उनके यूनिट से कम यूनिट ही राशन देता है। अगर उसकी मनमानी पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो वह मारपीट व गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि गांव के जिन लोगों ने भी उसकी शिकायत करने का प्रयास किया तो विभागीय साठगांठ के कारण वह पात्रों का ही नाम राशन कार्ड की पत्रता से हटवा देता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे लॉकडाउन में उक्त भ्रष्ट कोटेदार द्वारा निशुल्क राशन का भी वितरण नहीं किया गया, मात्र अपने चहेतों को राशन वितरित कर बाकी लोगों को डांट डपट कर भगा दिया गया, जिसकी शिकायत जब पूर्ति इंस्पेक्टर से की गई तो उन्हें भी अपने प्रभाव में लेकर उल्टे पात्रों को ही उत्पीड़न करने लगा। पुनः जब अगस्त माह के वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा मनमानी की गई तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद वह पूरी तरह बौखला गया है और प्रदर्शनकारियों को जान माल की धमकी दे रहा है, जिसके बाद से राशन कार्ड धारक भयभीत हैं। मनबड़ किस्त के कोटेदार की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका कोटा निरस्त करने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को पूर्व की तरह नियमानुसार राशन मिल सके। अपना परिचय दीजिए। मैं शंकर निषाद, कोलन सेना जिला अध्यक्ष। क्या मामला है, आप लोग यहाँ डीएम कार्यालय आए हैं? सर, ये अलौआ ग्राम सभा का मामला है। जो कोटेदार तहसील उड़नपुर थाना कप्तानगंज के मामले में, अलौआ कोटेदार जो राशन 5 आदमी को देता है तो 10 आदमी को देता, 5 आदमी को नहीं देता है, और कहता है अगर मेरी शिकायत करोगे तो तुम लोग के हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, जाओ जहाँ करना कुछ भी, मैं जो करना होगा आप कर लीजिएगा, मैं अपने आसपास से राशन दूंगा। इसके पहले आपने इसकी शिकायत किसी से की है? जी सर, SDM भूरनपुर हमने शिकायत दर्ज कराया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यह कोटेदार जब भी महामारी में लॉकडाउन में राशन नहीं गरीबों को दे रहा है, इसका कोटा निरस्त किया जाए और पुनः कोई सज्जन व्यक्ति को कोटे को नियुक्त किया जाए, ताकि वह जनता को सही ढंग से राशन दे और जनता का आवास मिले।